सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में एन हेडराइट तक बताया था, तो उसी क्लास को आज आगे प्रोसीड करते हैं। आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, ईस्टर का क्या होता है? इसका जो सफिक्स होता है वो एट यूज होता है। और कैसे यूज होता है? अल्काइल एल्केनोइड। एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। देखिए यहां पे रूल होता है ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते समय कि जो ऑक्सीजन के साथ अटैच रहे। ये कैसा, ये सबसे पहले ये बताइए ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर? टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ना। मतलब ये जहां आ गया वहीं से वन देके नंबरिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे नोमेनक्लेचर। तो इसमें रूल होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है इसको सबसे पहले हम लोग लाते हैं। इसको चूंकि एक कार्बन है तो एक के लिए मिथाइल, और इसके बाद जो इधर का रहता है उसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन वाटर होता है। तो प्रोपेन और सफिक्स वेट लगाएंगे क्योंकि ईस्टर का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोइड। इसी में के और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल कराने का मेरा मेन मोटो है कि आप प्रीवियस एग्जांपल से ये मन में डाउट ना बैठा लें कि जो कम कार्बन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद वाटर ग्रुप में ज्यादा कार्बन वाले को प्रीफर्ड करते हैं ईस्टर के नोमेनक्लेचर में। ऐसी बात नहीं है। इसमें ये थेसिस है कि चूंकि यहां से भी हम नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन यहां से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग है तो हम नंबरिंग में पेरेंट चेन में कार्बन को प्रीफर्ड करते हैं और बीच में ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो नंबरिंग तो रहेगा नहीं। इसलिए इसमें जो ऑक्सीजन से अटैच रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। एक के लिए रहता है तो मिथाइल 2 रहता, तो ब्यूटाइल रहता, तो इथाइल 3 रहता, तो प्रोपाइल 4 रहता, तो ब्यूटाइल। ऐसे ही आगे हम लोग करते हैं। 3 है तो 3 के लिए क्या रखेंगे? प्रोपाइल। इसको बाहर निकाल देंगे और इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन होता है ना। तो प्रोपेन कोई वर्ड रूट यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, तो सीधा वर्ड रूट प्रोपेन। और ये चूंकि ईस्टर का नोमेनक्लेचर करना है तो इसका सफिक्स यूज करेंगे ना। किस डिग्री का सफिक्स यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप? एज ए फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री का ना, तो प्रोपोनोइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल प्रोपोनोइड। कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था छोटा भाई ने कि नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता दीजिए। आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केवल जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केवल जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें क्या होता है एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसमें देखिए मेन जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो एक नहीं आते कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो ऐसे ही को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना। तो इसके लिए जो जो रूल मैं बता रहा हूं उस रूल को आप फॉलो कीजिएगा तो अच्छा अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में कर लीजिएगा। तो इसमें जो इसका इधर से नंबरिंग
इस आधार पे करते हैं जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, तो इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो इधर से ना करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट नियर रहेगा, तो इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर से क्योंकि ये ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है मेन पेरेंट्स चेन है, तो इधर जो आया है इधर 1 डैश और 2 डैश यूज करेंगे, सॉरी इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें सीधा ये पेरेंट्स चेन है टेन का और इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिसने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे उस थोड़ी से ध्यान से समझेगा, तो ये 1 डैश 2 डैश के साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका बनाने का रूल है कि जहां से जुड़ा रहेगा इसको सबसे पहले 3 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 1 डैश के साथ क्या है मिथाइल, लिखेंगे 1 डैश मिथाइल और 2 के लिए इथ होता है ना वर्ड रूप तो इथाइल और यह 10 के लिए वर्ड रूप क्या होगा डेकेन, क्योंकि अनसैचुरेशन है नहीं तो डेकेन यूज हम लोग करेंगे। एक और इसमें एग्जांपल करा देते हैं, देखिए ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स टाइप में अभी हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें आप लेफ्ट से भी नंबरिंग कीजिएगा तो वही आएगा और राइट से भी नंबरिंग कीजिएगा तो वही आएगा, जैसे इधर आप लेफ्ट से भी नंबरिंग कीजिए इधर सॉरी राइट से भी आप नंबरिंग कीजिएगा तो 3, 7 आ रहा है, इधर आप लेफ्ट से भी नंबरिंग कीजिएगा तो 3, 7 आ रहा है, और सेम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आ जाए तब क्या करते हैं, तो तब जब 2 रहता है तो 20 यूज करते हैं, 3 रहता है तो 30 यूज करते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा की जगह पे टेट्रा 30 यूज करते हैं, 5 रहता है तो पेंटा की जगह पे पेंटा 30 यूज करते हैं, 2 रहता है तो 20 यूज करते हैं, 3 रहता है तो 30 यूज करते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा 30 और 5 में पेंटा 30 यूज करते हैं, जब सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कोई भी पेरेंट्स चेन में एक से ज्यादा जुट जाता है तब, और जब लेफ्ट से नंबरिंग कीजिए राइट से नंबरिंग कीजिए उसका नंबर सेम आता है, तो इसमें नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या प्रोसीजर है देखिएगा और पूरे प्रोसीजर को ध्यान से समझिएगा और इसको रिमाइंड कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा यूटिलाइज होने वाला है। तो मान लीजिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1, क्योंकि जिधर से नंबरिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर से ही करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 3 और 7 पे सेम ग्रुप आया है और सेम ग्रुप कितना है 1 की 2, 2 तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे 20 और ये क्या है 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश तो क्या है 1 डैश मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल 20 1 डैश मिथाइल इथाइल और 10 के लिए डेकेन यूज कर लेंगे। क्या इसका नेम हो जाएगा 3, 7 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2 है सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट्स चेन में तो इसके लिए 2 के लिए 20 और है क्या 1 डैश के साथ मिथाइल और 2 के लिए इथाइल तो 1 डैश मिथाइल इथाइल डेकेन और यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, यहाँ पे हाइफन लगाना जरूरी रहेगा। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपके क्लास को बहुत इंजॉय किए होंगे, आप इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑफ इस्टर और फंक्शनल ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सीखे होंगे, तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को कीजिए लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद।